मैं मुगलोड का इंचार्ज एक्सचेंज हूँ। तो 16 तारीख से हमारी मोबिलाइजेशन मशीनरीज वगैरह मोबिलाइज कर रही हैं, ऊपर चली गई थी। तो 18 तारीख से हमने काम शुरू कर दिया था बड़े जोरों शोरों से। हमारे जितने भी लेबर हैं वो किसी चीज़ की परवाह ना करते हुए मौसम की इतनी खराब हालत में भी काम कर रहे हैं। लेकिन बीच में जो कोरोना वायरस की मूवमेंट्स और ये कर्फ्यू के हालात की वजह से हमें काम रोकना पड़ा, 2 दिन से हमारा काम रुका पड़ा है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने अपील की थी कि अगर वो इन हालात में हमें पुलिस से रिलैक्सेशन दिलवाएं कि हम काम अपना जारी रखें, तो मैं कल से अपना काम जारी रखूंगा। मैंने रिक्वेस्ट की हुई है SDM सुरन कोर्ट से और उनके ही थ्रू डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो हमें पुलिस के थ्रू रिलैक्सेशन दें तो हम अपना काम जारी कर सकते हैं। और इन सब हालात की जिस तरह से हमारा काम चल रहा था उस तरह से अगर काम चलता रहा तो 15 अप्रैल तक हम लोगों को आर पार कर देंगे, कश्मीर की वैली से टच कर देंगे। मेरे पास 5 मशीनें हैं जो रेगुलर काम कर रही हैं, 3 मशीनें और आ रही हैं, अभी अभी वो पहुंची नहीं है। उनमें हालात भी 2 दिन से हालात खराब हैं, वो रास्ते में हैं। तो जो ही वो मशीनरी पहुंचेंगी तो हम जोरों से काम करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर कहीं बीच में कोई बड़ी स्लाइड ना आ जाए या क्लड ब्लास्ट वगैरह ना हो जाए या कोई और बर्फबारी ना हो जाए बड़ी मिकदार में, तो उसकी वजह से हमारा डिले हो सकता है। अदरवाइज हम 10 से 15 अप्रैल तक अपना काम सारे अंजाम दे देंगे।